हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि ऑपरेशन जल्दी से ठीक हो जाए और जो टाँके लगे वो जल्दी सूख जाए। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, नॉर्मल आप सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि ठंडी हो या फिर जिनसे खांसी बढ़ जाए या फिर गला ख़राब हो जाए या फिर जुकाम हो जाए, तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़े दिन तक अवॉइड करनी है। और वो क्यों? बिकॉज अगर खांसी आना शुरू हुई तो खांसी में जब हम जोर से खांसते हैं ऐसे करके, तो जो पेट हमारा अंदर सिकुड़ता है, साथ ही साथ जो पेट से जो हमारे नाभि के नीचे का जो हिस्सा, उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर लगता है और वहाँ की नर्व्स भी इकट्ठी हो जाती है। कभी कभी स्क्रोटम की नर्व्स भी इकट्ठी होती हैं, तो उस स्थिति में आपको बहुत पेन हो सकता है, बहुत दर्द हो सकती है। तो इसलिए अगर आप उस दौरान जितने दिन में अपने ऑपरेशन का जो समय रखा है उस दौरान या फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन, आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो कि आपको खांसी का कारण बने। बाकी नॉर्मल जो खाने में आप खाते हैं वो नॉर्मल रोटी सब्जी आप खा सकते हैं। बस इसमें यही ध्यान देना है कि जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं, चाहे वो दही हो, चावल हो या खट्टी चीज़ें हो, तो उनको थोड़े दिनों तक आपको छोड़ देना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे फिर आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको खांसी नहीं आनी चाहिए और बदहजमी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों से ही लोअर एब्डोमेन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और अगर खांसी आएगी या बदहजमी होगी तो उसमें अगर आप एक बार भी इस तरीके से खांसेंगे तो नीचे का पूरा पोर्शन हिल जाएगा और उसमें जो टाँके लगे हैं उसमें आपको पेन फील हो सकता है। तो बस इसका ध्यान रखिए एंड कोई ऐसा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।